अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल योर पर्सनल कंसल्टेंट में। गुड न्यूज है कि कोई भी एग्जाम अब नहीं होगा क्लास टेंथ का, मैथमेटिक्स का सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है। अभी इन्होंने कोई भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिक नोटिस, कोई प्रेस रिलीज या कोई सर्कुलर नहीं रिलीज किया है। कहा गया है शाम तक या दोपहर या आज पब्लिक नोटिस अपने ऑफिशियल वेबसाइट में ये पब्लिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी पब्लिक नोटिस इशू नहीं किया है। जो न्यूज पब्लिश हुई है आइए वो देखते हैं। ये न्यूज टाइम्स नाउ में पब्लिश हुई है, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे तो न्यूज 3-4 घंटे पहले ही आ गई थी, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा था पूरी तरह से कि कैंसिल हो गया या री एग्जामिनेशन नहीं होगा, पूरी तरह से कंफर्म हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब सीबीएसई के ट्विटर अकाउंट में मैं गया, वहां पे ट्वीट देखा मैंने मिस्टर अनिल स्वरूप का, तो कंफर्म है कि अब नहीं होगा री एग्जाम मैथ्स का क्लास टेंथ का। देखते हैं न्यूज। HRD सेक्रेटरी हैज जस्ट कंफर्म द न्यूज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE वुड नॉट बी कंडक्टिंग एनी री एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट द मैथ री एग्जामिनेशन, कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। द सर्कुलर ऑन दिस रिगार्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द CBSE.NIC.IN सून। प्लीज बी एडवाइज्ड, MHRD has decided against conducting a re-examination for class 10th mathematics. This decision applies to students in Delhi NCR and Haryana states. The board had earlier already decided against conducting the re-examination for the other state. The decision is now out and confirmed. ये confirmed अब हो गया है कि class 10th का mathematics का re-exam नहीं होगा, न Delhi NCR, न हरियाणा, न किसी states के लिए भी नहीं होगा class 10th का mathematics का exam। ये Times Now में भी publish हुई है और आपको The Times of India में भी news publish हुई है कि maths का exam retest नहीं होगा। ठीक, हिंदुस्तान Times में भी publish हो गया है ये news, नहीं पब्लिश होगा। ये आज 3 अप्रैल की ये न्यूज है। न्यूज तो 3-4 घंटे पहले आ गई थी, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो सीबीएसई के ट्विटर अकाउंट में भी आप जाके देख सकते हैं कि जो मिस्टर अनिल स्वरूप हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है, आपको दिखाते हैं। कंसिक्वेंट टू द प्रिलिमिनरी इवेल्युएशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ रिपोर्टेडली लीक्ड CBSE Class 10th math paper and keeping in mind the paramount interest of the student, CBSE has decided not to conduct re-examination even in the state of Delhi, NCR and Haryana. Hence, no re-exam for Class 10th. ये 30 मिनट पहले का ट्वीट है मिस्टर अनिल स्वरूप का, ये ट्वीट है। इसके भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से ये ट्वीट देख सकते हैं। अब कंफर्म होता है, अब सिर्फ और सिर्फ CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्कुलर का, प्रेस रिलीज का या नोटिस कह लीजिए, उसका इंतजार है, जहां पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। वैसे तो कंफर्म अब हो चुका कि री एग्जाम अब नहीं होगा, एक तरह से गुड न्यूज है, स्टूडेंट को राहत वाली बात है कि अब नहीं होगा री एग्जाम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।